मौलवी के द्वारा गलती करने पर छात्र को डांट दिया, छात्र ने चाकू से मौलवी का गला काट दिया, मौलवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर है। गाजियाबाद में मौलवी के डांटने पर मदरसे में पढ़ने वाले छात्र ने मदरसे में रखी धारदार वस्तु से मौलवी पर किया वार। मौलवी आस मोहम्मद के गर्दन पर लगा धारदार वस्तु से मौलवी आस मोहम्मद गंभीर रूप से घायल। मदरसे में पढ़ाई न करने पर 14 वर्षीय छात्र कर रहा था शरारत। मौलवी के डांटने और मदरसे न आने की नसीहत से आहत होकर 14 वर्ष के छात्र ने किया मौलवी की गर्दन पर धारदार वस्तु से वार। मौलवी आस मोहम्मद को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां मौलवी की हालत गंभीर बनी हुई है। गाजियाबाद के देहात क्षेत्र के थाना भोजपुर का है पूरा मामला। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। कल दिनांक 25 सितंबर 2024 को थाना भोजपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम त्योड़ी तेरा बिस्वा में स्थित एक मदरसे में दिन में लगभग 12 बजे वहाँ एक पढ़ने वाले एक 14 वर्षीय छात्र द्वारा अपने अध्यापक आस मोहम्मद पर धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिनका वर्तमान में उपचार चल रहा है। आस मोहम्मद के पिता गुलजार निवासी ग्राम जोहरा थाना जानी जिला मेरठ द्वारा आज दिनांक 26 सितंबर 2024 को थाना भोजपुर पर घटना के संबंध में एक तहरीर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध दी गई है, जिसके आधार पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।